हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमाज ऑल इन वन चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ यहाँ पे कोकनी शादियों में जो बनता है ना सालन, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मटन का सालन। तो एक साइड पे मैंने मटन बॉईल कर ले लिया है। यहाँ पे मैंने खांडी रख दी है गरम के लिए। अब हम लोग इसमें डालेंगे ऑयल। तो ऑयल हम लोग 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ऑयल जब तक गर्म हो रहा है, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमारा ऑयल हो रहा है गर्म। हम लोग हमारे चिपलून के किचन में आए, आप अब देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग, मेरे वीडियो रोज नए आ रहे थे, बिहार से आगे आपको मेरे वीडियो रोजाना रेसिपी मिल जाएंगे आपको। तो मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला है। अब यहाँ पे ऑयल गर्म अच्छे से हो गया है, हम लोग इसमें खड़ा गर्म मसाला डालेंगे। 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची 3 और लौंग 3 और काला मिरा भी 3। ये सब 3-3 डाल दिए। इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तेल में अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें हम लोग डाल देंगे शाहजीरा 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने शाहजीरा डाल दिया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे जो हम लोग ने 4 प्याज ली थी मीडियम साइज की, स्लाइस में कट कर ले लिए, वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से गोल्डन होने तक इसमें भून लेंगे। ये सालन बहुत टेस्टी लगता है, आप भी घर पे ट्राई कीजिए। जैसे जैसे मैं बताती हूँ उस हिसाब से आप बनाएंगे तो ये सालन बहुत टेस्टी बनता है। जैसे शादियों में बनता है ना, उसी तरीके से बनता है। भी प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन होने तक हम लोग इसको तेल में पहले भून लेंगे। यहाँ पर प्याज हमारे आप देख सकते हैं गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। इसको अच्छे से, जैसा बिलिस्ता बनता है ना, उस तरीके से गोल्डन करना है। इसको अच्छे से हम लोग बीच बीच में चलाते हैं और फिर आगे हम लोग जो जो मसाले डालेंगे वो आपके साथ बताऊंगी। जो डालूंगी वो मटन मैंने बॉईल कर ले लिया है। 1 किलो मटन लिया है मैंने यहाँ पे। प्याज हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलिस्ता हो गया है यहाँ पे। अभी हम लोग इसमें यहाँ पर डालेंगे, अभी मैंने टमाटर आप कट कर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे पीस कर लिया है। उसके साथ धनिया भी पीस कर ले लिया है। तो इसमें हम लोग डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। पहले टमाटर और धनिया, ये दोनों चीज़ें इसमें मैंने अभी डाल दी है। 1 टमाटर लिया है, बड़ा वाले साइज का 1 टमाटर लिया है। उसको अच्छे से पीसा है बारीक और फिर उसमें सिर्फ धनिया डालकर इसको मैं पीस लिया है। फिर उसके साथ में यहाँ पे मैं डालूंगी अदरक लहसुन 2 चम्मच। यहाँ पर अभी अदरक लहसुन भी डाला। इसको अच्छे से हम लोग पहले भून कर लेंगे। मसाला अच्छी तरीके से भुनेंगे ना तो सालन बहुत टेस्टी लगता है। इसको अभी स्लो फ्लेम करती हूँ, अभी हाई थी, अभी स्लो फ्लेम कर 2 से 3 मिनट इसको भून कर लेती हूँ। यहाँ पे ढक्कन रख के इस तरीके से थोड़ा 3 मिनट भून कर लेंगे हम लोग मसाला। यहाँ पे हम लोग ने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून कर ले लिया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून मटन मसाला, आप कोई भी इसका डाल सकते हैं। फिर आप डाल सकते हैं 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर। ये जीरा पाउडर हम लोग ने घर में बनाई है, आप रेडीमेड आपके पास होंगे वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून धना पाउडर। फिर हम लोग इसमें डाल देंगे चिली पाउडर। ये चिली पाउडर आप आपके हिसाब से डाल दीजिए, आपको जितना पसंद है उस हिसाब से। यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून चिली पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको हम लोग अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से भी मिक्स कर ले लूंगी और इसको भी मसालों को स्लो फ्लेम पे 2 मिनट भून कर लूंगी। अब हम लोग इसमें यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे जो हम लोग ने नारियल ले लिया था इसको अच्छे से बारीक पीस कर ले लिया था। यहाँ पे 1 बड़ा बाउल भरकर है, मतलब आधा नारियल हम लोग ने इसको अच्छे से पीस कर लिया है और इसको एकदम बारीक पीस कर लेना है। अब इसको अच्छे से पहले इसमें मिक्स कर लेंगे हम लोग और भून लेंगे।
मसाले को जब तक तेल नहीं छूटता है इसको तब तक भून लेना है। इस तरीके से आप बनाना, आपको वैसा लगेगा कि हम लोग शादी वाला ही खाना खा रहे हैं घर पे। तब इसको अच्छे से भी लीड रख देती हूँ इसमें ढककर। यहाँ पर अभी मसाला हमारा अच्छे से भूनकर हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे जो मटन बॉईल कर ले लिया तो वो डाल देंगे। तब इसमें हम लोग डाल रहे हैं मटन का सूप और मटर इसमें डाल देंगे। अभी इसको स्लो फ्लेम पे थोड़ा कुक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर अभी नमक डाल देंगे। हम लोग ने बॉईल करते वक्त भी नमक डाल दिया था इसमें, अब हम लोग इसमें सिर्फ थोड़ा नमक डाल देंगे। इसको स्लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए और फिर गैस की फ्लेम हम कर देंगे बंद। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए कुक होने छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अभी 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा यहाँ पे शादियों वाला सालन बनकर रेडी है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।